जैसा कि आपको पता है, राजस्थान का पहला Type 1 एथलेटिक ट्रैक चूरू में बनने जा रहा है और अब लगभग बन गया है। उसकी आज आखिरी जांच का दिन है। क्लैक साहब से हम बात करते हैं। क्लैक साहब, आपने पहले भी यहां पर निरीक्षण किया था, आज भी आप निरीक्षण कर रहे हैं और आज समापन है, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार का ट्रैक चूरू के किस लेवल तक काम आ सकता है? चूरू के लिए नहीं है ये तो पूरा राजस्थान के लिए बेनिफिट आएगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ ट्रेन करना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो यहाँ हमारे जो हॉस्टल फैसिलिटी है वहाँ पे भी रुक के यहाँ वो इस ट्रैक की सुविधाएं उपलब्ध कर सकता है, जिससे उसको एक जो सिंथेटिक ट्रैक में दौड़ने की प्रैक्टिस और जिस टाइप से होता है, मतलब नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स होते हैं, उसमें अपने आप को रूबरू हो सकता है, अपने आप को एक वेदरिंग सिस्टम में वो लेके आ सकता है। इसलिए हम चेक कर रहे हैं इसमें, तो क्वालिटी हमारे लिए 100% चाहिए और बहुत लार्ज लेवल पे हमने फंडिंग किया है, तो इसका क्वालिटी भी हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। जी सर, एक क्वालिटी की बात आई सर कि पूरे ट्रैक के ऊपर जब इसकी चेकिंग होती है तो 5 मिलीमीटर की भी जो है वो जिगजैग नहीं होना चाहिए। इतने लेवल की, मतलब एक चूरू में इस तरीके का ट्रैक बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो इसकी क्वालिटी चेकिंग में आपने भी समय समय पर देखा है, क्या क्या इसमें विशेष रूप से क्या क्रियाएं होंगी? एक तो यहाँ एक थर्ड पार्टी इवेल्युएशन भी रखा है और इसके मतलब एक डिफरेंट टीम आके इसकी क्वालिटी एश्योरेंस करती है, क्वालिटी सर्टिफाई करती है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे आए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रैक बनाने की टेक्निक को जानते हैं, उन्हीं को बुला के ये ट्रैक बनाया गया है, और जो कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है उसको मल्टी लेवल चेकिंग किया है, नॉट बाय द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स तो इसको यूजुअली हमने RSRDC के इंजीनियर्स भी चेक कर रहे हैं, बट इसका टोटल वेरिफिकेशन जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी से कराया है हमने, तो इसलिए वो एक परफेक्शन पे आया है। एक कंप्लीट एथलेटिक्स का पूरा सभी गेम्स जो होते हैं उन सभी इसका फैसिलिटी यहाँ मिलेगा। एक हाई क्वालिटी, एक टॉप क्लास का एक सिंथेटिक ट्रैक है, सिस्टम है, जिससे मतलब जो खिलाड़ी है राजस्थान के लेवल पे, मतलब यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकता है या यहाँ पे ट्रेन भी हो सकता है या हम कोई इंटरनेशनल लेवल के एक इवेंट भी यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक मतलब परफेक्शन में बनी हुई चीज़ है, इसको मल्टीपल लेवल पे हमने क्वालिटी टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस किया है, अभी मार्किंग हो रही है, और एक सिंथेटिक ट्रैक का अब देखें कि बहुत सुंदर रूप लिया है, और ये हमारी स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पे या हमारी जो एथलेटिक्स के स्टूडेंट्स है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए प्रमोट भी करेगा। जी सर, अभी हमने देखा, जैसे आपने भी आती एक सवाल पूछा कि इसमें जो ये मिट्टी सी आ रही है, ये मेंटेनेंस कैसे मतलब बैठ पाएगा, इसको कैसे मेंटेन होगा ये, और जूतों के भी जैसे कोई इसमें कोई विशेष क्राइटेरिया इस तरह की? स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बता देंगे, टेक्निकली वही जानते हैं इसमें आप know how to clean the you know the dust and the particles which are here. How do you clean it? Simple jet wash system would be fine. Jet wash. So yeah, or just with brushes and water. Brushes would be the simple thing. What type of shoes allows on this track? Well, running spikes would be the correct one. Spike. Not bigger than 10 millimeter. So it's a standard. It's a standard spike size. And timing requirement, because our temperature is 50 degrees and 51 degrees in mid-day. It's more than 50 degrees Celsius, I mean, like the temperature. No, that's still fine. Yeah. Fine. Yeah. Obviously, it'll be a bit hot for running in that temperature. okay, thank you. किस तरह की इन्होंने टेस्टिंग की है वो पूछ सकते हैं? हाँ, टेस्टिंग का किस तरह का टेस्टिंग रिजल्ट मत पूछना। Well, we test the depth. We test the installation specifications to the manufacturer's requirements. So we test the depth. We test the shock which comes into the knee, and we test the skid to make sure that there's traction when people are obviously sprinting. We also tested to make sure that the water drains correctly. And planetary, that it is level. Yeah. So people know that they are running on a level playing field. It is unofficial. Are you satisfied with this work? I am very satisfied with this work from what I've seen.
I will put my report together with a laboratory report, so we can see that the actual installation is the same as the samples that are provided, so that they both match, and then that report will go to the IAAF. Okay? तो जो बाहर से टीम आई उनसे हमने बात की, जिला कलेक्टर महोदय ने हमें सारी बातें बताई दी हैं। सर आगे जैसे इसको रन करने के लिए, जैसे खेल अधिकारी जी यहाँ पर रहते ही हैं, तो कोई इंस्ट्रक्शन, कोई आप संदेश देना चाहें तो क्या? किसको? आम जनता को कि भाई यहाँ पर नहीं, आम जनता से ये ज़्यादा ये बेनिफिट तो एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए होगा। जो एक एक कंपटीशन के लेवल पे या गेम्स के रूप में इसको अपनाना चाहते हैं एथलेटिक्स को, कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अपना कंपटीशन रखना, मतलब करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। और इसको हम फीस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल है उसमें एक इसका फीस निर्धारण भी कर लेंगे कि भाई कोई इसमें यूज़ करना चाहता है तो वो कितना फीस करेगा, जो उससे हमारे आय भी आ जाए, इसके मेंटेनेंस भी हो जाए और बंदा जो आता है उसको 100% डेडिकेटेडली इसको यूज़ करे। यहाँ ट्रैक का हम जो है बात कर रहे थे, तो जो पांचवी बार आकर जिन्होंने इसकी गुणवत्ता को जांचा है, मलेशिया से मिस्टर केके लो हमारे साथ हैं, और आप मलेशिया से आए हैं। केके लो, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ट्रैक, बिकॉज यू योर विजिट इज़ फिफ्थ ईयर, हाँ, यू सा ऑल ट्रैक, व्हाट इज़ क्वालिटी, what is the process of this track in Churu? So in Churu this track, the first I have to come here to control the center point, the dimension, the level, the design, make sure everything is comply to this IAAF. On first visit you saw design and level. Yes. Yeah. For the first visit. So make sure everything is comply to IAAF class 1 certification. Okay. So second visit is the drain and then the outer curb, and then third visit is to check all the sport equipment. Fourth visit is to check the level, everything. Make sure everything is done. So this is my fifth visit. So I have to do all the lining so that we can get the certification for the 400 meter exactly running track to comply the class 1 certification. So up today I'm happy with the surfacing and all design, all the quality, everything is good. Is it complete? It is okay to run for all athletes. Yeah. It's ready. It's ready. Yep. Okay. Yeah. After today, tomorrow is ready. Except all the sport equipment for the hammer and discus, the cage, everything, and then the aluminium curving. Baki hai cage baki. Cage. Then everything is 100% complete. What is your suggestion and advice for district sports officer to maintain this? It's better not allow heavy machinery to cross over the track because the weather here is very, very hot. Yes. During summer it's very hot. And then it's chewing gum, soft drink. Oh. Because soft drink will make a stain mark. You know? I think this track, a little bit maintenance for future, you can use for 10 years, 15 years. Important is no heavy machinery allowed to cross over the track. तो ये एडवाइस इन्होंने दी है कि यहाँ पर भारी मशीनरी इसके ऊपर नहीं होगी और कोई भी आए च्युइंगम वगैरह कुछ भी खाकर इसके ऊपर नहीं डाले, और वरना ये क्या है, रबर्स जो है वो चिपक जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके ऊपर स्पाइक्स और जूते जो हैं उनका भी थोड़ा कंट्रोल, और इसको धोने के लिए मीठा पानी और जो ब्लोअर है, जो जेट है, उसके द्वारा इसको सफाई की जाएगी। तो ये पूरा ट्रैक जो है अब मेंटेन करने की ज़रूरत है, और चूरू वासियों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग आवश्यक रहेगा। तो खेल अधिकारी जी ईश्वर जी लामा हमारे साथ हैं, सर क्या कहेंगे समापन के तौर पर इस ट्रैक के बारे में, और आज क्या विचार आपके रहे इस ट्रैक के बारे में? मेरा जो भी शुरू से इसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने भी इस ट्रैक में काफ़ी प्रयास किया है कि यहाँ एक ऐसा ट्रैक बने जो राजस्थान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपना चूरू ज़िले का नाम हो, और हकीकत में ये क्लास 1 ट्रैक है, राजस्थान का तो पहला है ही, और इंडिया में भी इसका चौथे नंबर का ट्रैक है ये। इस ट्रैक के बारे में मैं कहूँ
कि अभी मार्किंग और इसकी टेस्टिंग का काम पूरा हो गया है, खाली इसमें एल्यूमिनियम कर्विंग और हैमर और डिस्कस की केज लगना बाकी है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। मैं भी लगातार इसका मॉनिटरिंग करता रहा हूँ, लगातार इनके संपर्क में रहा हूँ, तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ इनके कार्य से और बहुत शानदार काम हुआ है जी। तो खेल अधिकारी जी ने जैसे कहा है कि ये बड़ा शानदार काम हुआ है और ये अब ट्रैक आप लोगों के लिए सुपर्द अब जो है होने वाला है, तो आप ज़रूर इस पर जो एथलीट हैं, जो दौड़ना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर, बहुत बड़ी सुविधा जो है वो चूरू में शुरू हो चुकी है। तो अब मेरे साथी रोहित चौहान के साथ मैं डॉक्टर मनोज शर्मा त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।